हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की तरफ, दिल्ली से आ रही है। पराली को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक हुई है, तो बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा। दुष्यंत ने कहा तो केंद्र सरकार अगले 24 घंटे में 5 राज्यों की बैठक बुलाए, ये कहा गया है। दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा और राजस्थान की बैठक को बुलाया जाए, बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसका कोई पक्का समाधान जरूर निकले। दिल्ली से बड़ी खबर, पराली को लेकर सीएम डिप्टी सीएम की बैठक हुई है और मीटिंग के बाद दुष्यंत चौटाला का बयान आया है कि हमने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार अगले 24 घंटे में 5 राज्य जिसमें दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान है, उसकी बैठक बुलाई जाए। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि इसका जो समाधान है वो कोई पक्का हल निकले। दिल्ली कहती है हरियाणा से पराली जो है वो जलाई जा रही है, लेकिन नासा की तस्वीर दिखाते हुए उन्होंने ये कहा कि पंजाब में पराली जलाई गई जिसका दिल्ली से ज्यादा नुकसान हरियाणा को है। पिछले 72 घंटे के नासा के डाटा बताते हैं कि पंजाब में पराली जली है। हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले 34% पराली कम जली है। केंद्र हमारी मदद करे, ये सब उन्होंने बातें कही। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एक अहम बैठक होती है जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री साथ ही बैठक करते हैं और उसके बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान आता है। वो कहते हैं कि मीटिंग जो हुई है वो दरअसल जो पॉल्यूशन इस वक्त बढ़ रहा है, जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसको लेकर हुई है। संवाददाता से तमाम जानकारी ले लेते हैं, जितेंद्र चौधरी हैं हमारे साथ। जितेंद्र, मीटिंग में क्या कुछ रहा, क्या कुछ बयान अब तक सामने आए हैं? दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच ये बैठक हुई थी और इसके बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी गई कि जिस प्रकार से जो आरोप प्रत्यारोप दिल्ली और हरियाणा के बीच में चल रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो प्रदूषण है वो हरियाणा की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने नासा की एक तस्वीर यहाँ पर दिखाते हुए बताया कि किस प्रकार से पंजाब पराली जला रहा है और वो पराली का जो धुआं है हरियाणा में होते हुए दिल्ली तक पहुंच रहा है। जब उनसे पूछा गया कि इस बात को लेकर के केवल राजनीति हो रही है, तो उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर वे नहीं चाहते कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति हो और इसी बात को लेकर के उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक पत्र लिखा है जिसमें ये मांग की है कि 5 राज्य एक साथ केंद्र के साथ बैठक करें और अगले 24 घंटे में ये बैठक होनी चाहिए और प्रदूषण कम करने को लेकर के हर कारगर कदम उठाने को लेकर जो इस बैठक में जो पहलू है उन पर चर्चा की जाए और उन पर तुरंत कदम उठाया जाए। इसके अलावा पंजाब का जिक्र उन्होंने किया कि हरियाणा पर दोष लगा रहे हैं, लेकिन तस्वीर तो ये बता रही है कि पंजाब में ही ये सब हो रहा है जिसकी वजह से काफी नुकसान हरियाणा को हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नासा की एक तस्वीर उन्होंने यहाँ एक टैबलेट फोन में दिखाई है मीडिया के समक्ष और उनका ये कहना था कि जो ज्यादा बदतर स्थिति है वो पंजाब की तरफ से है और पंजाब लगातार पराली जला रहा है, वही पराली का धुआं हरियाणा पहुंच रहा है। ये हरियाणा के लिए भी घातक है और दिल्ली के लिए भी घातक है। 34% तक जो पराली है पिछले साल के मुकाबले हरियाणा में कम जलाई जा रही है और इसे और अधिक कम करने को लेकर के भी कारगर कदम उठाने चाहिए। इस बात को लेकर के वे चाहते हैं कि केंद्र के साथ 5 राज्य एक बैठक। शुक्रिया जितेंद्र चौधरी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो केंद्र सरकार को अब अगले 24 घंटे में 5 राज्यों की बैठक बुलानी चाहिए, दुष्यंत चौटाला ने पत्र में लिखा।